A news update sponsored by RS Academy, Second Floor, Ramagovan Palace, Sirmau Chauraha, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इन दिनों सावन का महीना चल रहा है और आज सावन महीने का अंतिम सोमवार है। सभी देवालय में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है और इसी तरह इस समय शहर के बजरंग नगर गेट में शिव महापुराण का 7 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण पहुंचकर शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण कथा का वाचन लक्ष्मीकांत जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। रविवार को महादेव के विवाह उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे और सैकड़ों की संख्या में भक्त झूमते नजर आए। आज श्रावण मास के अंतिम सोमवार में कथा व्यास लक्ष्मीकांत जी महाराज ने गणेश जन्मोत्सव ज्योतिर्लिंग की कथा कहते हुए बताया कि गणेश भगवान की पूजन मात्र से सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं और मनुष्य को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण कथा का आयोजन 3 अगस्त से 10 अगस्त तक किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में भक्त पहुंचकर कथा सुनकर जीवन का पुण्य लाभ ले रहे हैं। मिलने वाला नहीं, लेकिन अगर कोई मन चला जान जोखिम में डाल के लेकर आए तो शेरनी का दूध इस पदार्थ में रखा जाता है, इस पात्र में, सोने के पात्र में। पहले मेरे भैया सोने का पात्र बनवाओ, फिर शेरनी का दूध लेकर आओ। तो पात्र और पदार्थ दोनों का महत्व है। रावण ने कहा कि आप आ तो गए तो फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मुझे पता चले कि आप ज्ञान लेने लायक। आपका एक बात बताइए, जो किसान किसानी करते हैं, पहले खेत को तैयार करते हैं कि पहले बीज बोते हैं? बताइए, पहले खेत को बढ़िया से तैयार करते हैं, उसको जोतते हैं, फिर पानी लगाते हैं, फिर उसकी जुताई करते हैं और बढ़िया नमीदार खर पतवार इत्यादि सब समाप्त कर देते हैं, तब जाके बीजारोपण होता है। ऐसे ही ना, गलत कह रहे हैं? ठीक है, कोई किसान नहीं होगा पर किसानी तो जानता ही होगा इतना कि भाई नमीदार में बीजारोपण होगा। बस उसी प्रकार ज्ञान का भी बीजारोपण नमीदार में होगा, अभी तो गहरे पात्र में होगा, पहाड़ में चाहे जितनी बारिश हो जाए।